गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जीजा जी की छत पर आज चल रहा बहुत झोलझाल है। पानी की किल्लत ने जीजा जी को बना दिया है चोर। आज जीजा जी कर रहे हैं पानी की चोरी। देखे देखे कैसे दरोगा पिंकी जी की नजरों से छुपते छुपाते पंचम पुलिस स्टेशन में पानी की बाल्टी चुराने आए हैं। दरोगा की नजरें पंचम पर ना पड़े इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए पहले तो वहाँ पहुँचती है पिंटू भाभी। पिंटू जी आप इस वक्त थाने में, मतलब आप वो पिंकी जी से क्या काम करेंगे, आप पिंकी जी पूछ रहे हैं। यहाँ पिंटू भाभी दरोगा जी को अपनी बातों में उलझा रही हैं। वहाँ पंचम चुपके से चुरा रहे हैं पानी की बाल्टी। चलिए चलते हैं पंचम जीजा जी के पास और जानते हैं कि आखिर उन्हें पानी की बाल्टी चुराने की क्या जरूरत पड़ गई। दिल्ली में चांदनी चौक में पानी की बहुत कमी हो गई है और पानी की कमी के कारण आपको जैसे कि पता चलने वाला है बहुत ही जल्द कि इलायची जी जो है वो जल परी हैं। अगर वो जल परी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है और इस किल्लत के समय मुझे किसी भी तरह उन्हें पानी ला के देना है, तो आज मैं दरोगा के दफ्तर यानी कि उनके पुलिस स्टेशन में हूँ और हमें पता चला है कि वहाँ पर एक बाल्टी पानी है इस किल्लत भरे समय में, तो मैं और पिंटू किसी तरह से उस पानी की बाल्टी को चुरा के निकाल के लेके जाना चाहते हैं दरोगा के नज़र में ना आते हुए। तो लेट्स सी क्या होता है।